तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। और गाइस आज कुछ गजब का करने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास क्या है। तो गाइस हमारे पास है डेल्टा ज़ाकुरो का बे गाइस, और इसका नाम है क्या, वेनम डियाब्लोस। मुझे पता है आप सबको पता होगा, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि एनिमे में यूरोपियन लीग स्टार्ट हो रही थी, उसमें डेल्टा ज़ाकुरो को दिखाया जाता है। और गाइस डेल्टा ज़ाकुरो का गामा बे है वेनम डियाब्लोस। तो यस गाइस, ये काफी गजब का बे है। और इस बे का गिमिक ये है कि ये दो पार्ट में टूट के डबल बैटल करता है, और हो सकता है आज की वीडियो में आपको गिमिक देखने को मिल जाए। तो हम ट्राई करेंगे कि इसका गिमिक वर्क करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा। और गाइस हम बेब्लेड बर्स्ट राइज के डेली वीडियोस लाते हैं और एनिमे की सारी बैटल्स ट्राई करते हैं इस चैनल पे, तो एक सब्सक्राइब करना बनता है, तभी ऐसे वीडियोस को डेली देख पाओगे। तो यस गाइस, मारो फटाक से सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, लाइक हो सके तो करना शेयर, और हम करते हैं इसकी बैटल और टेस्ट पिन। तो गाइस चलो बिना किसी देरी के फटाक से टेस्ट पिन करते हैं और टेस्ट बैटल करते हैं, देखते हैं कैसा है वेनम डियाब्लोस। चलो गाइस फटाक से टेस्ट पिन कर देता हूं मैं, लेट इट रिप। तो गाइस ये देखो काफी ज्यादा वायलेंट है ये, और इसका रिकॉइल भी काफी ज्यादा है। और ये बात है सिर्फ इसके ड्राइवर की वजह से, जो अजीब सा ड्राइवर है इसमें। और गाइस डिस्क यहाँ पे हमें मिलती है वेनगार्ड। और गाइस इस बे में हमको यहाँ पे ये वेनम की लेयर होती है, और ये जो चिप मिलती है गाइस ये डियाब्लोस की चिप है। डिस्क है वेनगार्ड, ड्राइवर का नाम गाइस मैं भूल गया हूँ तो मुझे माफ कर देना। तो यस गाइस ये ड्राइवर ऐसे दो पार्ट में बट जाता है, और दिक्कत बहुत होती है इसको बार बार ऐसे लगाने में। और ये आप देख सकते हो ना कैसा टिप है, तो इस चक्कर में काफी ज्यादा अग्रेसिव बिहेव करता है, और करना भी चाहिए भाई, करना भी चाहिए। तो यस गाइस अब गाइस इसका करते हैं बैटल। तो स्टार्ट करते हैं, पहला बैटल करेंगे कॉस्मो ड्रैगन के साथ। तो देखते हैं गाइस कॉस्मो ड्रैगन को हरा पाएगा कि नहीं। चलो करते हैं गाइस, तो लेट इट रिप। और गाइस काफी अच्छा अटैक, लेकिन कॉस्मो ड्रैगन अभी भी टिका हुआ है, और एक्सपेक्टेड था कि वेनम डियाब्लोस नॉकआउट कर देगा। उसने ट्राई भी काफी किया लेकिन बात नहीं बनी। एक बार और ट्राई कर लेते हैं गाइस, शायद लॉन्च इस बार परफेक्ट हो जाए तो मजा आ जाएगा। और गाइस काफी अच्छा नॉकआउट करने की कोशिश, लेकिन फिर भी ड्रैगन बना हुआ है मैदान में और बस्ट कर दिया। यार ये गजब का काम किया, मुझे लगा था नॉकआउट नहीं कर पाएगा और हार जाएगा, लेकिन बस्ट ही कर दिया, क्या बात है गाइस। तो हाँ पावरफुल है यार ये वे, कोई डाउट नहीं। तो चलो गाइस अगला बैटल जोकर के साथ करेंगे, और ये है गाइस स्लैश जोकर, जो कि वे आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। तो लेट इट प्ले, और इसलिए नहीं खरीदना चाहिए। देख लो ये क्या हो गया, ये तो अभी नहीं बस्ट हुआ बट ये बस्ट हो गया। तो चलो गाइस इसके बचे हुए ड्राइवर का हिस्सा ढूंढ के आता हूं मैं फटाक से। तो गाइस ये मिल गया इसका ड्राइवर का टुकड़ा, जो कि निकल जाता है बार बार, और ये अलग से स्पिन करने लग जाता है। तो अच्छे से गिमिक हमें देखने को नहीं मिल पाया, बट कोई बात नहीं, मजा आया। तो चलो एक बार और कर देता हूँ वैसे मैं जोकर के साथ बैटल, क्योंकि मुझे तो यार बस देख के मजा आ जाता है। और अगर आपको भी मजा आता हो तो वीडियो को फटाक से यार लाइक करो, और बने रहिएगा आखिरी में, क्योंकि हम गिमिक देखने दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो गाइस करते हैं, और ये फिर से ड्राइवर निकल गया इसका, कोई नहीं, लेट इट रिप। और ये तो कुछ बात नहीं बनी गाइस। तो गाइस ये देखिए गाइस, ये हो गया गिमिक, ये है डेल्टा ज़ाकुरो का पावर गाइस, और ये है वेनम डियाब्लोस का गिमिक। बे बट गया है दो हिस्से में, भले ही बाहर निकल गया लेकिन क्या घूम रहा था, मजा आ गया गाइस मुझे तो देख के, और जीत भी गया उसके बावजूद। आधा टुकड़ा तो भैया जी आपका इधर ही रह गया। तो यस गाइस यही वो बे है जिसके बारे मनीष सिंह ने कहा था, अब दो जोड़ों में, तो ये दो जोड़े हैं ना, दो जोड़ों में, समझ लो बात को बाकी, ठीक है अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यस गाइस ये दो जोड़ों में टूट जाता है बे, दो जोड़ों में बे भेजो बे हुआ हमारा। तो गाइस काफ़ी मज़ेदार, एक बार और मैं ट्राई करूंगा, मुझे जोकर के साथ मज़ा आ रहा है, जोकर की बेइज्जती करने में यार मज़ा आता है, क्या बोलते हो। जजमेंट जोकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एज जोकर की कर रहा हूं। अरे यार ये बस क्यों नहीं हो रहा यार, जीत गया, ये क्या बदतमीजी है भाई, वैसे बस्ट होने वाला था बट ये बदतमीजी सही नहीं है बिल्कुल भी। अटैक नहीं हो पा रहा यार सही से, यार बहुत गलत बात है, ये बस्ट ही नहीं हो रहा यार, मतलब बताओ। और ये देखिए गाइस गिमिक चल गया था, और फिर भी जोकर की हम लोगों ने ज़्यादा बेइज्जती कर दी, तो जोकर बस्ट ही नहीं हो रहा, बोला जाओ हम नहीं होंगे बस्ट, और उल्टा ड्रॉ करा दिया मैच। कोई बात नहीं, इसको साइड में करते हैं अभी के लिए। ओवरऑल मुझे तो मज़ा आ गया, मैंने बोला था आपको गिमिक दिखाऊंगा और दिखाया। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करो यार, तभी तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस बनाने का मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपको एनिमे की सारी बैटल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलो गाइस नेक्स्ट बे ट्राई करते हैं, पॉइजन हाइड्रा, इसको हरा देते हैं कि नहीं देखते हैं गाइस, क्योंकि अच्छा बे है काफी ये भी।
और इसका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है हराने में। और ये पता नहीं गाइस हमारे डियाब्लोस को क्या हो गया, कुछ अजीब सी हरकतें चालू कर दी थी। खैर कोई नहीं, हार तो गया ही है। और वैसे भी स्टेमिना के मामले में गाइस ये अपने डियाब्लोस भैया मात खा जाते हैं। और ये क्या था भाई, ये क्या था। तो गाइस अटैक तगड़ा किया लेकिन बात नहीं बनी। खैर कोई बात नहीं गाइस, हैवी स्टेमिना बे है ये पॉइजन हाइड्रा, काफ़ी तगड़ा स्टेमिना है, काफ़ी हैवी बे है, तो इतनी आसानी से इसको हराना पॉसिबल नहीं है। और इसमें स्टेमिना की बहुत कमी है लेकिन अटैक भाई भर भर के है। तो यस गाइस ये तो कहना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। और ये जा गया ड्राइवर स्टार्टिंग में ही, शायद लगा नहीं था सही से। और इस बार लगता है डियाब्लोस भी जीत सकते हैं गाइस, क्या लगता है आपको बताइए, फटाक से वीडियो पॉज करके बताइए कमेंट सेक्शन में। यस गाइस इस बार बात बन गई है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। और गाइस हमारे पास एक और डियाब्लोस है जिसका नाम है टैक्ट डियाब्लोस, और टैक्ट डियाब्लोस काफ़ी अच्छा स्टेमिना है गाइस, काफ़ी अच्छा कॉम्बो है मेरे हिसाब से, एक स्टेमिना कॉम्बो है। लेफ्ट स्पिन है तो और अच्छा परफॉर्म करता है, स्पिन स्टील वगैरह कर डालता है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता वेनम इसको हरा पाएगा गाइस, लेकिन देखने में मज़ा आएगा। चलो गाइस करते हैं और नॉकआउट करने की कोशिश। फिर भी देखो कितना स्लो था और देखो अभी भी टिका हुआ है, और मुझे पता है यार ये जीत जाएगा यही कर करके, क्या लगता है आपको बताना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेनम डियाब्लोस खराब है, मैं ही बोल रहा हूँ गाइस ये टैक्ट में लेफ्ट स्पिन है तो उसका फ़ायदा उठा रहा है पूरा, और देखो उठा लिया फ़ायदा। मुझे पता था ये सारे के सारे डियाब्लोस ऐसे ही होते हैं यार, चीटिंग करते हैं। देखो ये वाला लेफ्ट स्पिन है तो ये स्पिन स्टील करता है, ये वाले दो टुकड़ों में बट के ऐसी तैसी करता है। तो गाइस सब जगह इन लोगों कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ही गेम बिठाया हुआ है, तो देखते हैं नॉकआउट कर पाता है कि नहीं, वैसे कर नहीं पाएगा। और गाइस बस यहीं पे नॉकआउट नहीं कर पाया ना, एनर्जी उसकी इसने चूस ली, अब समझो खेल खत्म हो गया बेचारे वेनम डियाब्लोस का। तो यस गाइस ये थोड़ा सा वेनम डियाब्लोस मुझे लगता है अटैक पावर अच्छा है, बट थोड़ा सा वेट और ज़्यादा होता ना तो ये अल्टीमेट बेब्लेड बन जाता, बट ओवरऑल अच्छा है, मुझे तो यार पसंद आया और इसका गिमिक तो यार गजब का है। तो यस गाइस मेरे हिसाब से भाई ये तो तगड़ा बे है, क्योंकि गाइस जिन बे से इनका बैटल किया जितना आसान नहीं था, फिर भी इसने काफ़ी गजब का परफॉर्म किया और मुझे तो यार गिमिक देखने में इसका मज़ा आ गया। तो यस गाइस अगर आपको ये बेब्लेड और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और गाइस हम आपसे मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।